आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। बायकॉट ट्रेंड की लहर ने फिल्म को भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं 4 साल बाद फिर से पर्दे पर वापसी कर रहे आमिर को फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ऑडियंस ने फिल्म को नकार दिया। वहीं 180 करोड़ रुपए की बनी लाल सिंह चड्ढा ने भारत में 20 दिनों में मात्र 62.66 करोड़ की कमाई की। इससे फिल्म के मेकर्स को करोड़ों रुपए का लॉस हुआ। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि आमिर खान इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी फीस नहीं लेंगे। वहीं आमिर ने मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हालात देखते हुए ये फैसला लिया है कि वो लाल सिंह चड्ढा के लिए अपनी फीस नहीं लेंगे। ऐसा माना जा रहा था कि अगर आमिर अपनी फीस लेते तो मेकर्स को 100 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हो जाता। ऐसे में आमिर ने खुद को आगे कर फिल्म के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी लेते हुए फीस छोड़ दी है, जिसके चलते मेकर्स को अब छोटे स्तर पर ही नुकसान उठाना पड़ेगा। आमिर ने इस फिल्म को 4 साल दिए, लेकिन फिल्म से उन्हें 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। अपनी स्लो कमाई और ज़बरदस्त हेट के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। ऐसे में आमिर नहीं चाहते थे कि फिल्म का नुकसान उनके अलावा कोई और भुगते। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।